बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़बीउल्लाह ब्लगन ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ऑफिस से आपसे मुखातब हूँ। अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछा है हमसे, अक्सर वालदैन ने, कि भाई ये एडमिशन लेने में कितना वक्त लगता है। ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में जो बच्चे MBBS प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें कितना वक्त दरकार है, तो वो अगर हमें अपना मैट्रिक FSC का रिजल्ट कार्ड और एक तस्वीर यानी कि सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स अगर हमें व्हाट्सएप भी कर देते हैं तो हम यूनिवर्सिटी से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिलवा देते हैं, यानी कि एडमिशन इशू हो जाता है वहाँ से। वो एडमिशन हम स्टूडेंट को 3 से 4 दिनों में हम उन तक पहुँचा देते हैं। फिर दूसरा मरहला होता है कि जब आपको वहाँ से वीज़ा आना है, जब वहाँ से वीज़ा आता है तो तकरीबन $250 के करीब उसके अखराज आते हैं, पाकिस्तानी को 40,000 रुपये के करीब बनते हैं। तो दूसरे मरहले के लिए आप हमें अपना पासपोर्ट देते हैं, यानी कि फिर ये 3 पहले चीज़ें थी एडमिशन के लिए, फिर चौथी चीज़ शामिल हो जाती है पासपोर्ट वीज़ा के लिए, यानी कि ये 4 चीज़ें हो जाएंगी, मैट्रिक FSC का रिजल्ट कार्ड और तस्वीरें आपकी और साथ आपका पासपोर्ट, ये 4 चीज़ें होंगी तो हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे और इंशाल्लाह 15 वर्किंग डेज में यानी कि 15 दिनों में आपका वीज़ा वहाँ से आ जाता है। 3 से 4 दिन में आपका एडमिशन होता है और ये यूनिवर्सिटी अपने फॉरेन ऑफिस से वीज़ा इशू करवा के उस स्टूडेंट को पाकिस्तान में भेज देती है स्टूडेंट को, ताकि एम्बेसी इस्लामाबाद में ना जाना पड़े और वहाँ उसको टाइम ज़ाया ना करना पड़े, यहाँ फ़ी ना पे करनी पड़े, तो वो वहीं पे फ़ी जमा करवा के किर्गिस्तान में ही और वहीं से वीज़ा इशू करवा के पाकिस्तान में अपने ऑफिस में भेज देते हैं, वो भी स्टूडेंट को मिल जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो 15 से 20 दिनों के दरमियान है। अगर आज आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो 15 से 20 दिनों में आप किर्गिस्तान के लिए डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, और हमारे ग्रुप जो हैं वो तकरीबन हर 15-20 दिन के बाद यहाँ से जाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।